गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, उसी में देखेंगे आगे प्रशासनिक अधिकारियों का चयन एवं प्रशिक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगिता एवं कभी कभी सिफारिशों के आधार पर किया जाता था, परंतु सरकार लगातार जिम्मेदारियों के बोझ से दबी जा रही थी। सरकार ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो भारत की शासन व्यवस्था, भाषा, समाज एवं भारतीय परंपराओं से अच्छी तरह परिचित हों। इन अधिकारियों को उपरोक्त विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में हुई। अब उन्होंने कहा कि क्या चल रहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते थे वो सिफारिशों पर चुने जाते थे। कोई अप्रोच लगा जाता था, उसको चुन लिया जाता था कि इसको रख लो, चाहे उसे काम आता था करना चाहे नहीं आता था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सरकार जो है जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबती जा रही थी, क्योंकि वो उस लोगों को तो काम आता नहीं था और काम नहीं हो पाता था तो इन पे दबाव पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसे लोगों को चुने जो भारत की शासन व्यवस्था, वहाँ की भाषा, परंपराओं, संस्कृति वगैरह से अच्छी तरह जानते हों, ऐसे लोगों को हम चुने। तो ऐसे लोगों को चुनने के लिए उन्होंने क्या करा, प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए। उन्होंने कलकत्ता में खोला विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी, जहाँ पर मतलब प्रशिक्षण दिया जाता था। तो और कब खोला गया था ये फोर्ट विलियम कॉलेज, 1801 में। सिविल सर्विस के लिए 1853 में भारतीयों के लिए खोल दिए गए। इस सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक था एवं परीक्षा केंद्र केवल इंग्लैंड में ही था। अब उन्होंने कहा कि अभी तक ये था कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा है वो सिर्फ अंग्रेजी दे पाएंगे, लेकिन अब क्या किया गया, अब वो परीक्षाएं जो सिविल सर्विस के लिए परीक्षा थी वो भारतीयों के लिए भी खोल दी गई कि भारतीय भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें बैठने की क्या शर्त थी कि वो परीक्षा अंग्रेजी में ही होगी और इंग्लैंड जाकर ही देनी पड़ेगी। तो क्या होता था कि बहुत से भारतीयों को तो अंग्रेजी ही नहीं आती थी, तो इसलिए वो इस परीक्षा को दे ही नहीं पाते थे, और इंग्लैंड जाकर देना हर एक के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए कहने को तो उनके लिए खोली गई, लेकिन वो इस परीक्षा को देने में असमर्थ ही रहे। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में एक मदरसा और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के प्रसार को करने के लिए, भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज खोला था। सन 1781 में भारतीय समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी, मतलब उनकी स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी भारतीय समाज की उस टाइम। ऐसे में विभिन्न समाज सुधारक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे हुए थे, और उस टाइम पे बहुत से समाज सुधारक सामने आए जो यहाँ पर जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी। कौन सी बुराइयां समाज में, कौन सी बुराइयां थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह कर दिए जाते थे, ठीक है, विधवा विवाह नहीं किया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इस टाइप की बहुत सी बुराइयां उस समय समाज में थी। और जो वहां के समाज सुधारक, कई समाज सुधारक सामने आए जिनमें से राजा राम मोहन राय का नाम भी सामने आया, और उन्होंने राजा राम मोहन राय के अनुसार भारतीय समाज को संस्कृति एवं साहित्य का ज्ञान की अपेक्षा विकसित वैज्ञानिक ज्ञान, खगोल विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा पर भी अच्छा खासा जोर दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए, खगोल शास्त्र की भी होनी चाहिए, राजा राम मोहन राय का मानना था। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा भी लोगों को सीखनी चाहिए। राजा राम मोहन राय के अनुरोध का ब्रिटिश शासन पर असर हुआ। उन्हें भी लंबे शासन के लिए भारतीयों को का शिक्षित होना आवश्यक रखने लग गया, और अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार की योजना बनाई। अब उन्होंने कहा कि जब राजा राम मोहन राय ने अनुरोध किया कि भारतीयों को इस
अंग्रेजी सिखाई जाए तो अंग्रेजों को भी लगा कि आना चाहिए, भारतीयों को अंग्रेजी आनी चाहिए, अगर इनको अंग्रेजी आती होगी तभी तो ये हमारे काम कर पाएंगे। उन्होंने तो अपनी सोच से देखा, ठीक है, राजा राममोहन राय अपनी सोच से देख रहे हैं कि अगर यहाँ के लोगों को अंग्रेजी आई तो ये तभी तो अंग्रेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और उन्होंने उन्होंने क्या सोचा अंग्रेजों ने, कि उन्हें भी ये बात सही क्यों लगी, इसलिए लगी कि उन्होंने कहा कि अगर इनको अंग्रेजी आती होगी तो तभी ये हमारे काम कर पाएंगे, नहीं तो ये हमारे काम नहीं कर पाएंगे। सन 1853 में जॉन मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार देने का कार्य आरंभ किया गया एवं अंग्रेजों को के अनिवार्य अंग्रेजी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय शिक्षा लोग प्राप्त करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैकाले नाम का एक व्यक्ति था और उस मैकाले नाम के व्यक्ति के मतलब लीडर बना वो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने वाला। तो उसने लोगों के लिए अंग्रेजों ने क्या करा कि अनिवार्य कर दिया कि हर एक को अंग्रेजी सीखनी ही सीखनी है और उसके साथ में लोगों को विज्ञान और भारतीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित। भूमि सुधार व्यवस्था, अंग्रेज सरकारों द्वारा किसान से मालगुजारी एवं अन्य करों की वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। अब देखिए भूमि में सुधार करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं की गई वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अलग अलग नामों से वो व्यवस्थाएं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार ने किसानों से कैसे कर वसूल किया जाएगा उसके लिए अधिकारी नियुक्त कर लिए थे। बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने व्यक्तिगत ठेकेदारों के माध्यम से वसूली का कार्य कराने की योजना बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग नाम का व्यक्ति था जिसने क्या करा कि ठेकेदार बना दिए कि तुमने कर वसूल करना है इन लोगों से। योजना के अनुसार यदि संबंधित ठेकेदार अपने कार्य को ठीक प्रकार से ना करें तो उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को ठेका दे दिया जाए। परंतु इस कार्य प्रणाली में कई कमियां थी जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुधारा और लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सुधार थे। अब उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार अपने काम ढंग से नहीं कर रहे तो क्या किया जाए, उनसे वो ठेका ले लिया जाए और दूसरे ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाए, उनको वही नहीं कर पा रहे काम तो ना करें। तो कह रहे कि इस टाइप से कर दिया, लेकिन एक लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने बहुत से सुधार किए थे क्योंकि इस कार्य प्रणाली में बहुत सी कमियां देखने को मिल रही थी। तो उसने कौन कौन से सुधार किए ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक।